गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने पार्ट 3 की जो है शब्दार्थ कर ली है अपनी नोटबुक में, और आप लोगों ने उसको लर्न भी किया होगा। बच्चों, किया होगा का मतलब ये नहीं होता है कि मैम कुछ पूछ नहीं रही है तो हम उसको लर्न ना करें। बच्चों, मैम कभी भी आपसे उसका टेस्ट ले सकती है, फोन पे ले सकती है, आपके घर पे आके ले सकती है, कभी भी पूछ सकती है आपसे। तो आपको वर्ड मीनिंग्स जो मैं राइट करवा रही हूँ, शब्दार्थ जो मैं राइट करवा रही हूँ, आपको उनको उन्हें राइट ही नहीं करना है बच्चों, उनको साथ ही साथ आपको लर्न भी करना है, और अपनी रफ जो नोटबुक होती है उसमें राइट करके देखना है, उसको चेक करना है कि अपने कहाँ पर मिस्टेक की है। बच्चों, मैं आपका कभी भी आके टेस्ट ले सकती हूँ कहीं पर भी। तो बच्चों, आज हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, अपनी सहायता स्वयं करो। अपनी सहायता स्वयं करो का मतलब होता है हमें हमारी जो हेल्प होती है, हमारा जो भी काम होता है, हमारे अगर हम कभी दूसरों से मदद मांगते हैं और वो हमें हमारी कोई हेल्प नहीं करता है तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हमारी सहायता खुद करनी चाहिए। कई बार ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है जब हमारी कोई सहायता करने आगे नहीं आता है, और उस कठिनाई के समय हमें अपने स्वयं को अपनी सहायता करनी चाहिए। तो इसी प्रकार इस कहानी को पढ़ेंगे तो इसी में भी यही चीज दिखेगी बच्चों पे। इसी के लिखा हुआ है, किसी गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में गाय, घोड़ा, बकरी साथ साथ हरी हरी घास खाते थे। धीरे धीरे उन तीनों में मित्रता हो गई। वे आपस में सुख दुख की बातें करने लगे। वहीं पास की एक झाड़ी में एक खरगोश भी रहता था। उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं भी इनका मित्र बन जाऊं, इससे मेरा समय भी आसान से कट जाएगा और वे विपत्ति में मेरे काम भी आएंगे। खरगोश उन तीनों के पास गया और बोला, मुझे भी अपना मित्र बना लीजिए। वे तीनों बोले, भला इसमें हमें क्या आपत्ति है, आओ तुम भी हमारे साथ हरी हरी घास खाओ और बातें करो। अब वे चारों मिलकर घास खाने लगे। खरगोश उनके साथ उछलता कूदता और प्रसन्न रहता। एक दिन वे चारों वृक्ष के नीचे आराम से बैठे बातें कर रहे थे। अचानक शिकारी कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाजें सुनाई दी। बेचारा खरगोश घबरा गया, क्योंकि शिकारी कुत्ते छोटा व असहाय होने के कारण केवल उसे ही मार सकते थे। खरगोश सहायता के लिए बकरी के पास गया और बोला, बहन, शिकारी कुत्तों से मेरी रक्षा करो। बकरी ने दूर से ही कहा, भैया मेरे पास से जाओ, मैं तो शिकारी कुत्तों से बहुत डरती हूँ, भला मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकती हूँ। फिर खरगोश घोड़े के पास गया और बोला, भाई तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और कुत्तों को मार भगाओ। घोड़े ने उत्तर दिया, यह नहीं हो सकता, तुम मेरी पीठ पर कैसे चढ़ सकते हो, गाय से कहो, वही तुम्हारी सहायता करेगी। आखिर में खरगोश गाय के पास गया और बोला, गाय बहन, क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो। शिकारी कुत्ते समीप आते जा रहे हैं, तुम्हारे पास तो बड़े बड़े सींग हैं। गाय ने उत्तर दिया, मेरा बछड़ा मेरी बाट देख रहा होगा, मुझे तो आज घर जल्दी जाना है। खरगोश ने अपने चारों ओर देखा, तीनों में से कोई भी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। तब उसने ईश्वर को याद किया और तेजी से भागने लगा। शिकारी कुत्ते अभी थोड़ी दूर पर थे, जल्दी से भागकर खरगोश एक झाड़ी के पीछे छिप गया। शिकारी कुत्ते वहां किसी को न पाकर वापस चले गए। इस तरह खरगोश ने अपनी जान बचाई। बच्चों, किसी ने सच ही कहा है, ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो बच्चों, वही चीज आ गई ना, हमें हमेशा अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। इंग्लिश के अंदर बच्चों, आज हम चैप्टर 2 रीड करने जा रहे हैं, रॉबिन्स क्रिसमस सॉन्ग। चैप्टर 2 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर हमने इसके वर्ड मीनिंग्स भी कर लिए हैं और हमने इसके हार्ड वर्ड्स भी कर लिए हैं। आज हम इसको चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ रॉबिन वन ए ट्री बाय द लेक साइड। एक समय की बात है कि एक झील के किनारे एक रॉबिन जो पक्षी है, इसके एक प्रकार का पक्षी होता है जो वो पेड़ के ऊपर रहता है था। ही लव्स टू सिंग, वह उसे गाना गाना पसंद था। वन क्रिसमस मॉर्निंग, एक क्रिसमस की सुबह,
ही वॉज गोइंग टू द किंग्स पैलेस, ही वॉज गोइंग टू द किंग्स पैलेस टू सिंग फॉर द किंग। एक क्रिसमस की सुबह वह कहाँ जा रही होती है? राजा के महल में गाना गाने के लिए। ऑन हिज वे ही मीट एन ओल्ड ब्लैक कैट, तभी रास्ते में वे काबू किससे मिलते? एक बूढ़ी काली बिल्ली से। शी वॉज गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वह कहाँ जा रही थी? एक मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी। हेलो मिस्टर रोबिन रेडब्रिस्ट, वेयर आर यू गोइंग इन दिस कोल्ड कोल्ड मॉर्निंग? जो कैट थी वो कैट उसे क्या बोलती है? रोबिन से, हेलो मिस्टर रोबिन रेडब्रिस्ट। रेडब्रिस्ट का मतलब होता है एक प्रकार का पक्षी। आज तुम इसे ठंड ठंडी मॉर्निंग में कहाँ जा रही हो? टुडे इज क्रिसमस, आई एम गोइंग टू द किंग टू सिंग ए क्रिसमस सॉन्ग फॉर हिम। तुम्हें पता नहीं कि आज क्रिसमस है? आज क्रिसमस है और मैं राजा के लिए एक क्रिसमस सॉन्ग गाना गाने जा रही हूँ। पेन था भेज बच्चों। ओ हैप्पी क्रिसमस, वो उसको बधाई देती है, विश करती है। बट बिफोर यू गो हॉप डाउन टू मी, लेकिन उससे पहले तुम छोटी कूद लगा के मेरे पास आओ और मुझसे मिलो। आई विल शो यू द सॉफ्ट एंड मफलर अराउंड माई नेक, मैं तुम्हें बहुत ही सॉफ्ट मफलर दिखाऊंगी। मेरे जो गले के चारों तरफ लटका हुआ लिपटा हुआ है, जैसे कि लिपटा हुआ है, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगी। हा, जो इस पर है रोबिन मिस्टर रेडबिस जो है वो क्या करती है? लाफिंग करती है। हा, डियर ब्लैक कैट डोंट ट्राई टू ट्रिक मी, मेरे साथ छल मत करो। आई एम नॉट कमिंग डाउन टू यू, आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग, मैं नीचे नहीं कूदूंगी, मैं सीधी राजा के पास जाऊंगी। रोबिन रेडब्रिस्ट स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्लू अवे। रोबिन जो थी मिस्टर रेडब्रिस्ट जो एक प्रकार का पक्षी जो था, वह क्या करता है? अपने पंखों को फैलाता है और वहां से उड़ जाती है। आफ्टर फ्लाइंग सम डिस्टेंस ही रीच्ड ए हिल साइड, का थोड़ी दूर के बाद में, काफी दूर, थोड़ी सी दूरी के बाद वो एक पहाड़ी की तरफ पहुंच जाती है। हेयर ही सा एन ओल्ड फॉक्स लुकिंग आउट ऑफ हिज होल, उसने वहां पर क्या देखा? एक ओल्ड फॉक्स है, वहां पे एक लोमड़ी है और वो अपने बिल में से निकल रही है। गुड मॉर्निंग मिस्टर रोबिन रेडब्रेस्ट, वेर आर यू गोइंग ऑन दिस अर्ली कोल्ड मॉर्निंग? सेम वही क्वेश्चन उससे फोक्स ने किया कि तुम इस ठंडी सुबह कहाँ पे जा रही हो। गुड मॉर्निंग यू, डू यू नॉट नो टूडे इज क्रिसमस? ये जो रोबिन है, मिस्टर रोबिन है, वो भी फॉक्स से गुड मॉर्निंग बोलती है और पूछती है कि तुम जानते नहीं हो कि आज क्रिसमस है? आई एम गोइंग टू द किंग्स पैलेस टू सिंग फॉर द किंग, मैं राजा के महल जा रही हूँ और उनके लिए गाना गाना चाह रही हूँ। ओ हैप्पी क्रिसमस, तो लोमड़ी भी जो है, फॉक्स भी जो है, वो मिस्टर रोबिन को क्या बोलती है? हैप्पी क्रिसमस विश करती है। बट बिफोर यू लीव लेट मी शो यू माई ग्रे स्पॉट ऑन माई टेल, लेकिन उससे पहले तुम मेरी पूंछ पे एक धुंधला सा धब्बा लगा हुआ है उसको देखो। हा, कनिंग फॉक्स, वो सेम चीज जैसे उसने उसके पास केट के पास की थी, सेम चीज वैसे वो लाफिंग करती है। कनिंग फॉक्स यानी कि चालाक लोमड़ी, आई हैव नो टाइम टू सी द स्पॉट ऑन योर टेल, आई एम गोइंग स्ट्रेट टू द किंग, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे पास इस धब्बे को देखने के लिए, इसलिए मैं सीधी राजा के महल में जा रही हूँ। सो रोबिन फ्लू अवे लीविंग द कनिंग फॉक्स बिहाइंड, इसलिए रोबिन जो था पक्षी वो उड़ जाता है और पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है। ही नेवर स्टॉप्ड यूनिट ही सा ए स्मॉल बॉय सिटिंग ऑन ए लॉग विद हिज फ्रेंड्स, वहां पर जाके वो देखती है। ही नेवर स्टॉप, वो रुकती नहीं है, लेकिन एक एक वो उड़ती रहती है। लेकिन उसने क्या देखा? एक छोटा बच्चा लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ में। गुड मॉर्निंग रॉबिन रेड ब्रेस्ट, वेर आर यू गोइंग इन दिस अर्ली कोल्ड मॉर्निंग? सेम वही क्वेश्चन उस लड़के ने किया है कि गुड मॉर्निंग और तुम आज सुबह सुबह इस ठंडी मॉर्निंग में कहाँ जा रही हो? टुडे इज क्रिसमस, आई एम गोइंग टू द किंग्स पैलेस टू सिंग ए सॉन्ग फॉर हिम, आज क्रिसमस है और मैं राजा के लिए एक गाना गाने जा रही हूँ। और तब जाके बॉय बोलता है, हॉप डाउन आई विल गिव यू सम क्रब्स, तुम नीचे कूदो मैं तुम्हें कुछ क्रब्स यानी कि छोटे रोटी के छोटे टुकड़े देना चाहता हूँ। नो थैंक्स आई एम गेटिंग लेट, आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग, नहीं धन्यवाद मैं लेट हो रही हूँ और मैं सीधी राजा के महल जा रही हूँ।
सेइंग सो किसने कहा? उसने पक्षी ने कहा सेइंग सो इसलिए, सो रोबिन रेड ब्रेस्ट फ्लू अवे स्प्रेडिंग हिज विंग्स। एट लास्ट ही रीच्ड द किंग्स पैलेस एंड सेट ऑन ए ब्रांच ऑफ द ट्री नियर द पैलेस। इस और उसके पश्चात वो जो चिड़िया थी वो वहां पर राजा के महल में पहुंच जाती है आखिरकार में, और एक शाखा के ऊपर, एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठ जाती है जो कि महल के पास में लगा हुआ था। देन ही स्टार्टेड टू सिंग द स्वीटेस्ट क्रिसमस सॉन्ग ही न्यू। ही वॉज लुकिंग हैप्पी एंड चीयरफुल। वहां बैठ के उसने क्रिसमस गाना गाना शुरू कर दिया और वह बहुत ही खुश और हंसमुख दिख रही थी। ओ लुक हाउ स्वीटी रोबिन सिंग्स द क्रिसमस सॉन्ग। ही हैज कम सो फार टू सिंग फॉर अस। व्हाट गिफ्ट कैन वी गिव हिम। यहाँ पे जो राजा है उसने गाना गाना तो सुना है और वो राजा बोल रहा है कि बहुत ही प्यारा गाना गा रही है और बहुत दूर से गाना गाने के लिए आई है, इसलिए हमें इसको एक गिफ्ट तो देना ही चाहिए। तब जाके ये रानी जो है वो बोलती है, ओ रियली ही इज सिंगिंग सो नाइसली द गिफ्ट डैश 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 आई थिंक इट वुड बी फाइन इफ वी कैन फाइंड हिम ए फ्रेंड। हाँ हमें इसको दोस्त, हमें इसको गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन गिफ्ट क्या देना चाहिए वो सोचते हुए बोलती कि हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए। तब वो सोच दिमाग में सोचते हुए बोलती कि हाँ मेरे हिसाब से हमें इसको एक फ्रेंड यानी कि एक दोस्त देना चाहिए। फाइन गिफ्ट लेट्स फाइंड वन फ्रॉम आर हेल्पर्स। फाइन गिफ्ट यानी कि गिफ्ट जो था वो उनका, उसका जो उपहार था वो फाइन उसको कर लिया जाता है, चूज कर लिया जाता है, और ये बोलता है कि हमारे जो हेल्पर्स हैं उनमें से एक इसको दिया जाए। द किंग सिग्नल्ड एंड देयर केम द हेल्पर। जो राजा था उसने अपना सिग्नल दिखाया, अपना इशारा किया, अपना संकेत किया और अपने जो हेल्पर है उसको बुलाता है। आई वॉन्ट यू टू फाइंड ए फ्रेंड फॉर रोबिन रेड ब्रेस्ट। मैं रोबिन रेड ब्रेस्ट के लिए एक फ्रेंड ढूंढना चाह रहा हूँ या फिर देना चाह रहा हूँ। योर मेजेस्टी आई नो ए बर्ड नेम ट्विटी, शी लिव्स इन द किचन कोर्ट यार्ड। जो इसकी नौकरानी है वो इससे बोल रही है कि हाँ आप, आपकी महिमा मेरी सरकार जो भी बोलते हैं राजाओं को, मेरे सरकार, मैं एक ट्विटी नाम के बर्ड को जानती हूँ जो कि किचन के आंगन में यानी कि चौक में बैठा रहता है। द हेल्पर ब्रोट द बर्ड एंड लेट द बर्ड फ्लाई वेयर रोबिन रेड ब्रेस्ट वॉज सिटिंग। जो इसका हेल्पर था वो उसको, उस बर्ड को ढूंढता है और वो जो बर्ड था वो उसके उड़के उसके पास, मिस्टर रोबिन रेड ब्रेस्ट था, उसके पास जाके बैठ जाता है। रोबिन रेड ब्रेस्ट एंड ट्विटी लाइक ईच अदर वेरी मच। रोबिन जो था वो पक्षी और जो ट्विटी थी दूसरा पक्षी, वो एक दूसरे को बहुत ही चाहते थे। दे सैट साइड बाय साइड ऑन द विंडो सिल। वे एक बार बार उड़ के कभी कौन सी खिड़की में बैठते हैं, कभी कौन सी खिड़की में बैठते हैं, और उनकी खुशी का जो था वो ठिकाना ही नहीं था। दे सैंग द क्रिसमस कैरोल। वे एक क्रिसमस तराना गाना गाना चालू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। टुगेदर फॉर द किंग्स फैमिली फॉर द होल डे। वे जो उनका जो राजा का वो था, परिवार था, उसके लिए गाना गाना शुरू करते हैं साथ साथ। रोबिन रेड ब्रेस्ट लिव्ड हैप्पीली विद हिज न्यू फ्रेंड ट्विटी इन द किंग्स पैलेस एंड सेंग फॉर द किंग एवरी मॉर्निंग। रोबिन रेड ब्रेस्ट और जो उसका न्यू फ्रेंड था वो उसको पा करके बहुत ही खुश थी, और ट्विटी जो था उसके राजा के महल में गाना गाता था एवरी मॉर्निंग यानी कि प्रत्येक सुबह को गाना 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 गाता था। तो इस प्रकार से बच्चों एक स्टोरी है। आगे हम मैथ सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 आज करने जा रहे हैं, पेज नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 1.6 है। उसे लिखना लिखा हुआ है राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म है। हमें ये नंबर लिखने हैं एक्सपेंडेड करके, इनको खोल के लिखना है। बच्चों से यहाँ लिखा हुआ है 693, तो 6 का हमें किस में आ रहा है, हंड्रेड्स में, तो हमें 6 को हंड्रेड्स में लिखना है। 9 किस में आ रहा है, टेंस में, तो हमें 9 को टेंस में राइट करना है। 3 किस में आ रहा है, वंस में, तो हमें 3 को वंस में राइट करना है। उसके बाद में 6 को हम क्या बोल रहे हैं, 600। 9 को हम क्या बोल रहे हैं, 93 को हम क्या बोल रहे हैं, 3। तो इसे हमें बच्चों क्या करना है, इसको खोल
होल के लिए फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है 468, तो 4 कहाँ आ गया हंड्रेड्स में, 6 कहाँ पे आ गया टेंस में, और 8 किस में आ गया वंस में। 4 को हम क्या बोल रहे हैं, 400, उसके बाद में 6 को हम क्या बोल रहे हैं 60, और 8 को हम क्या बोल रहे हैं 8, तो इसी प्रकार से ये क्या हो गया 468। तो बच्चों आपको इसी प्रकार से ये आपके मैथ की बुक में करना है, ये एक्सरसाइज नंबर 1 करनी, एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको बुक में करना है।